हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं ऋषभ आपके लिए लेके आ गया हूं लेट नाइट शो ऑन करंट अफेयर्स के ऊपर, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो आज है 6 जुलाई, तो आज हम लोग जानने वाले हैं कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो और नीचे साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो जाके आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको पीडीएफ जो होंगी, जितनी वीडियोस की पीडीएफ हैं वो आपको अवेलेबल होगी वहाँ पे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट आर वीडियो। सो हमारा पहला आज का करंट अफेयर्स है वाश रिपोर्ट के बारे में। नाउ व्हाट इज़ वाश रिपोर्ट? अब एक नया रिपोर्ट है वाश इंस्टीट्यूट के द्वारा, एक जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तमिलनाडु की। तो इसमें बताया गया है कि इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल था लार्जेस्ट ड्रॉप इन ओपन डिफेक्शन, खुले में शौच के लिए 2015 में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है आपके लिए, और सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल इंडिया ही था। ओपन डिफेक्शन का मतलब ये होता है जो खुले में शौच होता है, जब फील्ड में जाकर के या कोई भी हॉस्पिटल में जाकर के बिना टॉयलेट का यूज़ किए हुए हम लोग डिफेक्शन करते हैं बाहर में। और ये एक्चुअली में सबसे बड़ा कंसर्न है, इसके ऊपर मूवीज़ भी निकली है काफ़ी, जैसे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा, आपने देखा होगा, अक्षय कुमार की मूवी है। तो उसमें भी इसके बारे में काफ़ी हद तक बताया गया है। और ये जो है ये काफ़ी बड़ा आपको एक डेंजर क्रिएट करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है वुमेंस के लिए और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी, और बच्चों को काफ़ी डिजीजेज या फिर इन्फेक्शन हो सकता है आपको खुले में शौच करने से। ठीक है, नाउ इस रिपोर्ट का फाइंडिंग्स एक्चुअली में है क्या, 2016 के आसपास ओपन डिफेक्शन का नंबर जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ किया है इंडिया में, लार्जेस्ट ड्रॉप जिसका देखा गया है आपको हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में। जबकि आपको ओपन डिफेक्शन सब सहारन अफ्रीका का वो स्लो है, काफ़ी प्रोसेस वहाँ भी आपको काफ़ी स्लो है। 2016 से 2020 के आसपास ग्लोबल पॉपुलेशन जो मैनेज किए हैं हम लोग को ड्रिंकिंग वाटर और घर पे पानी पहुंचाने का, उसका रेशियो काफ़ी बढ़ा है, 74% बढ़ गया है, 70% 74% पे हम लोग अब आ चुके हैं, जो कि एक अच्छा नंबर है। और पीपल को कोविड-19 के समय में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े अपने हाइजीन के लिए, और ये माना जाता है कि 10 में से 3 आदमी वर्ल्ड वाइड अपना हाथ नहीं धो सकते थे सोप से या पानी से, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज क्राइसिस था इस पैंडमिक के टाइम में। तो ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जिसे आइडेंटिफाई किया गया है। तो क्या इसके लिए कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? तो हाँ बिल्कुल, नेशनल रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी, ये एक 10 साल का स्ट्रेटजी है जो कि 2019 स्टार्ट किया गया है और 2029 तक ये चलेगा। इसके अलावा ODF और ODF प्लस स्टेटस दिया जाता है, ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेटस आपको दिया जाता है सभी स्टेट्स को या सभी डिस्ट्रिक्ट्स को, जिसमें बताया जाता है कि उनका किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है। उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसका फेज़ 2 लॉन्च हो गया है, फेज़ 1 में जो बात की गई थी और उसके अचीवमेंट को देख करके फेज़ 2 निकाला गया है, जिसमें काफ़ी हद तक आपको सॉलिड, लिक्विड या प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी बात की गई है, सॉलिड या लिक्विड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की आपको बात की गई है इसमें। नाउ मैंने आपको बताया कि ODF या ODF प्लस या ODFF प्लस स्टेटस मिलता है टाउन्स और सिटीज़ को, तो है क्या ये ओपन डिफेक्शन फ्री? तो ODF का स्टेटस उन राज्यों को मिलता है, उन स्टेट्स को मिलता है, उन सिटीज़ को मिलता है जो जिसमें एक दिन अगर कोई भी एक आदमी भी ओपन में अगर शौच करते हुए या फिर डिफेक्शन करते हुए नहीं पाया गया हो, उसे मिलेगा ODF का स्टेटस। अब इसके बाद आता है ODF प्लस स्टेटस, एक ऐसा दिन या फिर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर एक पर्सन भी आपको बाहर नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ उसमें कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट को फंक्शनल और उसको वेल मेंटेन्ड अगर रहेगा किसी का पब्लिक टॉयलेट या पब्लिक कम्युनिटी हॉल, जिसमें खुले में शौच करने से आपको बचाया जा सके, अगर उसे अच्छे से आपको मिलेगा तो उसे मिलेगा आपको ODF प्लस स्टेटस। उसके बाद आता है ODF प्लस प्लस, ये एक्चुअली में जो एरिया ODF प्लस कैटेगरी में आता है और जहाँ पे एक सीवेज सिस्टम, फेकल स्लज सिस्टम और अच्छे से मैनेज किया गया और अच्छे से ट्रीट किया गया है उसको, उस तरह के सिटीज़ को, उस तरह के टाउन्स को आपको ODF प्लस प्लस स्टेटस मिलेगा।
ओके नाउ अगला न्यूज़ हमारे पास है, 4 साल हो गए हैं जीएसटी को, जीएसटी के 4 साल। तो जीएसटी आप सभी को पता होगा जीएसटी क्या होता है, तो जीएसटी के क्या क्या अचीवमेंट है इन 4 साल में, इनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले ऑटोमेटेड इनडायरेक्ट टैक्स इकोसिस्टम, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ई वे बिल्स आया है, फेक इन्वॉइसिंग, जो भी आदमी फेक इन्वॉइसिंग करते हैं उसे काटने में मदद किया गया है। उसके अलावा अलग अलग कस्टमर पोर्टल्स को जीएसटी पोर्टल से लिंक किया गया है, जिससे इम्पोर्ट का क्रेडिबिलिटी बढ़ गया है। साथ ही साथ रिफंड प्रोसीजर, जब जीएसटी आया है तो इंक्रीज किया है रिफंड प्रोसीजर को भी, और अलग अलग फ़ायदाज हैं इनके, ठीक है। अब जीएसटी काउंसिल होता है जो कि आपको करेक्ट करता है, जो कि लॉस मारता है उसे करेक्शन करता है, और जितने भी कम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं या रैशनलाइज करना होता है जीएसटी रेट्स को, ये सब काम आपको कौन करता है, ये सब काम आपको करता है जीएसटी काउंसिल। तो आप सभी को जीएसटी के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी जीएसटी के बारे में बता देता हूँ कि वो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एक वैल्यू एड टैक्स है, जैसे पहले लगा करता था, और ये जो है ज़्यादातर आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन पे सोल्ड जो होता है उस पर लगता है, ये कंज्यूमर्स के द्वारा पे किया जाता है, और इसमें गवर्नमेंट को बिजनेस के लिए या फिर और भी तरह का गुड्स एंड सर्विस के लिए इसमें टैक्स दिया जाता है। एक्चुअली में ये जो है पहले जो था वो ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन था, अब इसको हटा के जीएसटी के द्वारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन हुआ है, ठीक है। और इस जीएसटी में 2 तरह का जीएसटी लगते हैं मेनली, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी होता है सेंट्रल का, और एसजीएसटी होता है स्टेट जीएसटी होता है आपको। जीएसटी रेट्स जो हैं वो म्यूचुअली डिसाइड किए जाते हैं जीएसटी काउंसिल के द्वारा, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279A, याद रखना है, आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको चेयर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, चेयर करते हैं जिसको हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी है निर्मला सीतारमन जी, वो चेयर करती हैं। इस पे जीएसटी में अलग अलग मल्टीपल रेट्स होते हैं, जैसे कि 5%, 12%, 18% और हाईएस्ट 28% का जीएसटी लगता है आपको, ओके नाउ एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट, हरित धारा आया गया है, ये पीआईबी की न्यूज़ है। तो इससे इसमें ये न्यूज़ में क्यों थी एक्चुअली में, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने डेवलप किया है एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट, जो कि मीथेन ख़त्म करेगा। ये इसका नाम रखा गया है हरित धारा, जो कट करेगा कैटल के मीथेन एमिशंस को 17-20% तक, जो कि रिजल्ट करेगा उनके हाई मिल्क प्रोडक्शन का, ठीक है। क्योंकि मीथेन एमिशंस जो होता है, जो बॉडी से मीथेन एमिशन होगा जो भी हमारे कैटल से, तो उससे उनका मिल्क प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। तो इसको लगभग 17-20% तक ही हरित धारा सप्लीमेंट जो है वो कट डाउन करेगा, जो रिजल्ट करेगा एक हाइयर मिल्क प्रोडक्शन की ओर। अब इसके बारे में जानते हैं, तो ये जो हरित धारा है ये डिक्रीज करता है प्रोटोजोआ को, जो माइक्रोब्स हमारे मिलते हैं र्यूमन में। अब र्यूमन क्या होता है, र्यूमन एक पहला पार्ट होता है आपको काऊ के स्टोमक का। तो आपको पता होगा कि काऊ के स्टोमक में 4 पार्ट्स होते हैं, एक होता है र्यूमन, एक होता है रेटिकुलम, एक होता है ओमैसम, और एक होता है एबोमैसम। तो एक्चुअली में ये कहाँ पाया, ये जो प्रोटोजोआ होता है वो कहाँ पाया था आपको, र्यूमन है, जो उनका पहला स्टमक होता है उसमें पाया जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोजन प्रोडक्शन में, और इसके जगह पे एक आर्की बैक्टीरिया आ जाता है जो रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको बनाता है मीथेन की ओर बनाता है। तो ये जो है मीथेन के एमिशन के कारण उनके बॉडी में जो आपको लैक्टोज की मात्रा है या मिल्क शुगर की मात्रा है वो कम करती है। तो अब HD जो है, जब हरी धारा जो है वो बनाया जाता है टैनिन रिच प्लांट प्रोडक्ट से, टैनिन और अलग अलग केमिकल कंपाउंड से, जो कि इन तरह के प्रोटोजोआ को सप्रेस करेगा या रिमूव कर देगा इस तरह का प्रोटोजोआ को, जो र्यूमन में पाया जाता है। इसके बाद फर्मेंटेशन भी किया जाता है HD का, जो हेल्प करता है इसको मोर प्रोपोनोइक एसिड बनाने में, जो क्या करेगा आपको लैक्टोज मिल्क शुगर प्रोडक्शन और बॉडी वेट गेन में मदद करेगा, जो कि एक काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा फार्मर्स के लिए जो कि मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा इस प्रोसेस के द्वारा, हरित धारा के द्वारा। नाउ व्हाट इज़ मीथेन प्रोडक्शन इन कैटल, आपको पता है, मैंने बताया आपको र्यूमन जो पहला स्टमक होता है, 4 स्टमक में
चारों स्टमक का मैंने नाम बताया आपको, पहला होता है रूमेन, सेकंड होता है रेटिकुलम, थर्ड होता है ओमैशम या फोर्थ होता है एबोमैशम। साइंस का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला पेट जो होता है वो रूमेन होता है। जब आप देखोगे गाय को खाते हुए तो गाय खाना खाती है या फिर वो बहुत तेज़ी में वो खाती है और सीधे उसके रूमेन में चला जाता है ये खाना, और वापस से वहाँ से जा करके वापस आता है उसके मुंह पे, जो उस वापस से उसको च्यू करती है अच्छे से, और फिर उसके रेटिकुलम में जाता है जहाँ एब्जॉर्ब होता है, वो मैशम में आता है, फिर एबोमैशम में आता है और तब इंटेस्टाइन में उसका जाता है। तो ये प्रोसेस होता है आपको स्टमक इन कैटल में, ठीक है। तो जहाँ पे प्लांट मटेरियल्स खाती है वो सेलुलोज, फाइबर, स्टार्च, शुगर्स, वो क्या होता है, वो फर्मेंट होता है, ब्रोक डाउन होता है माइक्रो, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में प्रेजेंट होते हैं, और वो जो होता है बाद में डाइजेशन होता है उसका और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है जो हमारे बॉडी में होता है। अब कार्बोहाइड्रेट जब फर्मेंटेशन होता है माइक्रोब से, वो CO2 और हाइड्रोजन निकालता है, और उनके बॉडी में आर्की, जो कि आर्की बैक्टीरिया होता है, वो प्रेजेंट होता है, जो कि यही कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, मीथेन में आता है, और इसी कारण मीथेन प्रोडक्शन होता है कैटल में, जो कि प्रोडक्शन को, उनके मिल्क प्रोडक्शन को नीचे गिराता है, मिल्क प्रोडक्शन को, समझे। अब ये चीज़ का इमिशंस अगर हम इसमें देखा जाए तो ब्लीचिंग कैटल से बफलोज या सिप या गोट्स जो भी है, लगभग 9.25 मिलियन टन से लेके 14.2 मिलियन टन मीथेन जो है एनुअली रिलीज करता है, जो कि ग्लोबल टोटल है 90 मिलियन प्लस टन लाइफ स्टॉक का। 2019 का लाइफ स्टॉक सेंसस के द्वारा बताया गया इंडिया कैटल का जो पॉपुलेशन है वो 193.46 है, इसमें 1.109.85 मिलियन बफेलोज हैं, 148 मिलियन गोट्स हैं और 74 मिलियन शिप हैं। अब ये ज़्यादातर जो है एग्रीकल्चर रेसिड्यू खाते हैं, वीट, पैडी और जो रिमेनेंट्स है, और इसके कारण इनके बॉडी में 50-100% मोर मीथेन होता है इनके और काउंटर पार्ट्स और कंट्रीज के हिसाब से, जो कि जिसके कारण मीथेन प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगा आपको और ग्लोबल वार्मिंग में मदद करेगा। तो लगभग 25 टाइम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर 100 ईयर्स मेक इट मोर इम्पॉर्टेंट टू ग्रीन हाउस गैस, और ये लगभग ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट करेगा ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन। तो ये कुछ है बातें जो ध्यान रखने में, इसलिए हरित धारा बनाया गया है जो कि मीथेन की एमिशंस को कम करेगा। अब कुछ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी देख लेते हैं हम लोग, जो कि लाइफ स्टॉक के लिए लिया गया है। एक है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, इसमें आपको सपोर्ट किया जाएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डेयरी प्रोसेसिंग में। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो भी तरह का बोवाइन कल्टीवेशन है जो इन्हेंस करेगा मिल्क प्रोडक्शन को। उसके बाद नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, उसके अलावा नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, जिसमें से जितना अलग अलग तरह के डिजीज़ जो होंगे या जेनेटिक डिजीज़ हो या और भी तरह के डिजीज़ हो, वो उससे बचाने में मदद करेगा आपको नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। तो अलग प्रोग्राम्स आपको गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए, लाइफ स्टॉक के लिए इनिशिएट किए गए हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूज़, इट इज़ अबाउट फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश का एक नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, ठीक है। नाउ क्यों है न्यूज़ में ये, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा एक फ्लाई ऐश के बारे में यूटिलाइज करने के की बात की गई है, और ये डिज़ाइन किया गया जिससे 100% यूटिलाइजेशन हो फ्लाई ऐश का। फ्लाई ऐश एक्चुअली में होता क्या है, फ्लाई ऐश होता है हमको बाय प्रोडक्ट कोल, जब कोल का जब बर्निंग होता है तो कोल के बर्निंग से अलग अलग गैसेस निकलते हैं, तो उसमें से फ्लाई ऐश भी निकलता है। ये एक आपको बाय प्रोडक्ट है कोल का, जिसका यूज़ काफ़ी यूज़ है। इसे फ्लाई ऐश इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है जब कंबंशन चैम्बर में हम लोग इसको जलाते हैं तो ये जो है वो निकलता है, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक परसिपेटर्स या बैक फिल्टर्स के द्वारा इसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। अब ESP क्या होता है, ESP एक फिल्टरिंग टाइप का फिल्ट्रेशन डिवाइस है जो कि रिमूव करता है फाइन पार्ट, जैसे कि स्मोक हो गया, फाइन डस्ट हो गया, इसको गैस से बाहर निकाल लेता है, ठीक है, जिससे एयर पॉल्यूशन में भी कमी आती है। अब फ्लाई ऐश का कॉम्पोजिशन कैसा है, फ्लाई ऐश में सब्सटेंशियल अमाउंट मिलता है आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, एल्युमिनियम डाइऑक्साइड का, फेरिक ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का, ये सब कुछ कंपोजिशन है आपको फ्लाई ऐश के। अब इससे यूज़ किया जाता है ज़्यादातर सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि इसका जो ये रिसेंबल करता है पोर्टलैंड सीमेंट को, लेकिन ये केमिकली डिफरेंट है,
केमिकल इसमें कुछ डिफरेंट है, इसमें सीमेंटियस प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अब इसमें जो कंपोजिशन है, इसमें क्या होगा, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एलुमिनेट, कैल्शियम एल्यूमिनियम फेरेट, ये सब कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। अब जैसे कि पोर्टलैंड सीमेंट है, तो ये मिक्स होता है आपको लाइमस्टोन और क्ले का, तो ये लगभग रिसेंबल करता है पोर्टलैंड सीमेंट को, रिसेंबल करता है। अब ये इसमें सीमेंट का कुछ आपको अंश है या सीमेंट के प्रॉपर्टीज़ है इसमें, तो NTPC ने इसे सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जो कि हमारे कंट्री में है और इसके साथ आपको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, इससे ये प्रमोट करेगा यूज़ फ्लाई ऐश का ब्रिक बनाने में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। NTPC ने तो सेटअप किया है फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि जैसे कि उसका कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं। इससे लगभग 60 मिलियन फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है वो बनाए भी गए हैं NTPC के द्वारा उनके अपने फ्लाई ऐश ब्रिक प्लांट्स में। अब ये जो है ना ही सिर्फ प्लांट में यूटिलाइज किए जाएंगे, बल्कि ये टाउनशिप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। एज़ पर MOEFCC है आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके हेड आपको हैं प्रकाश जावेदकर जी, उनके द्वारा बोला गया है कि NTPC जो है लगभग मस्ट कीप एटलीस्ट 20% टोटल फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड इन रिजर्व फॉर द इशू टू फ्लाई ऐश ब्रिक ब्लॉक टाइल से मैनुफैक्चर इशू फ्लाई ऐश फ्री टू कॉस्ट टू देम। और NTPC बोला गया कि फ्लाई ऐश जो होगा वो आपको फ्री टू कॉस्ट होगा, ठीक है। लगभग 2021 में लगभग 15 NTPC स्टेशन ने सप्लाई किया है फ्लाई ऐश अलग अलग रोड प्रोजेक्ट के लिए, अलग अलग ऐश यूटिलाइजेशन के लिए, और लगभग जो कि लगभग 20 मिलियन टन्स को क्रॉस कर चुके हैं। लास्ट 5 ईयर्स से फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन जो है वो ग्रोन किया है 80% हमारे कंट्री में, जो कि हमारे और भी रिसोर्सेज को बचाने में मदद करेगा, क्योंकि ये एक रेसिडुअल प्रोसेस ये है प्रोडक्ट है आपको बाय प्रोडक्ट है ये, जो कि आपको जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है उससे तो कम से कम हम बचाने में मदद करेगा, हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने में मदद करेगा। और फ्लाई ऐश को जब हम लोग निकालते हैं तो उससे पहले हम लोग प्योरीफाई भी करते हैं, क्लीन भी करते हैं, तो इसके कारण एयर पोल्यूशन भी कम होता है उससे, और ये सीमेंट और ब्रिक्स वगैरह में आपको काफ़ी यूज़ आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए हों, ठीक है। लेकिन एक और बात है जो आपको याद रखनी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसे यूज़ किया गया है आपको फ्लाई ऐश टेक्निक, क्योंकि ये इनोवेटिव भी है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मैंने आपको बताया। और महाराष्ट्र जो है, ये बात याद रखनी कि महाराष्ट्र जो है पहला ऐसा स्टेट है जिसने इस पॉलिसी को, फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट किया या अडॉप्ट किया है। इसके लिए एक वेब पोर्टल भी है जिसको बताएगा आपको फ्लाई जनरेशन और यूटिलाइजेशन के बारे में, जिसका नाम है ऐश ट्रैक। इसे लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट द्वारा और इसमें GST रेट काफ़ी कम लगता है, GST रेट मात्र सबसे 5% का GST रेट इसे रिड्यूस किया गया है 5% GST रेट्स में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, आपको सब चीज़ समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, जाके उसे सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको वीडियोज़ की PDF, जस्ट आप वीडियो देखने के बाद जाओगे तो आपको PDF मिल जाएगी वहाँ पे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, जय हिंद।